हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या मेरा कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। देखिए, बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और जो इंटरनेट पे जानकारी उपलब्ध है अलग अलग वेबसाइट्स पे, उसके अकॉर्डिंग 65-70% वीज़ा अप्रूव हुए हैं पिछले कुछ सालों में। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनमें से 7 को वीज़ा मिल जाता है, 3 को नहीं मिलता है। और पिछले साल कैनेडियन हाई कमीशन या कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इंडिया में 1,39,000 वीज़ास अप्रूव किए हैं, यानी लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा मिलने के लिए कैसा प्रोफाइल होना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है आपके प्रोफाइल का, कि क्या आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं, क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं एक जेन्युइन प्रोफाइल में, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके मार्क्स। फॉर एग्जांपल, आप बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो आपके 12th में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर जैसे आर्ट्स स्ट्रीम्स हैं तो कम से कम 55% तो होने ही चाहिए, और अगर साइंस या इंजीनियरिंग से हैं तो 60 और ऊपर होने चाहिए। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ क्योंकि मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आइल्स की। आइल्स यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अब देखिए, आइल्स का जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वैसे तो पीटीई के स्कोर के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है और वीज़ा भी मिल जाता है, लेकिन आइल्स के बेसिस पे वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक कैनेडियन जो इमिग्रेशन है उसकी स्कीम है जिसे बोला जाता है एसटीएस, जिसे हम फुल फॉर्म में जिसकी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। अब इसके अंतर्गत अगर आपके जो आइल्स में बैंड हैं 6 से ऊपर हैं सभी सेक्शंस में, तो आप एसडीएस के लिए क्वालिफाई करते हैं। और एसडीएस के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कम देने पड़ते हैं और आपका जो वीज़ा है वो जल्दी प्रोसेस हो जाता है, मतलब 20 दिन में करीब आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। आपको खाली अपने एडमिशन ऑफ़र के साथ GIC और मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने होते हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन वो कम से कम है। तो आप आइल्स में 6 बैंड लाने की पूरी कोशिश करिए। देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स को भी वीज़ा मिलता है जिनके आइल्स में 6 बैंड से कम होते हैं, लेकिन आप क्यों रिस्क लेना चाहेंगे? अगर मैं जैसा मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर सपोज़ करिए आपने आपके 6 से कम है बैंड, तो भी आप वीज़ा के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन SDS में नहीं कर सकते हैं, और आप PTE के स्कोर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं कैनेडा के स्टडी वीज़ा के लिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, सपोज़ करिए कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका PTE में स्कोर करीब 55 होना चाहिए, और अगर आप PG के लिए जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा 60 का कोर्स, तभी आपके प्रोफाइल को पॉजिटिव प्रोफाइल कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके स्पॉन्सर के वो भी इम्पॉर्टेंट है, कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपको लगाना पड़ता है, ये भी शो करना पड़ता है कि आपका जो स्पॉन्सर है उसके जो इनकम है वो रेगुलर है, अकाउंट में रेगुलरली पैसे आ रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्रोफाइल पॉजिटिव होगा और आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं कनाडा के स्टडी परमिट के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं यहाँ पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।